अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, तो आपका कुछ सवाल आ रहे थे दोस्तों, क्या ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट होता है? तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, हर साल हजार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, आप लोग की एक छोटी सी गलती और आपको फॉर्म रिजेक्ट। तो दोस्तों क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, आपको फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, इस वीडियो में देखेंगे दिशा और निर्देश क्या है। तो टीटी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश, इन नियमों का करें पालन, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आपके लिए कि क्या ऑनलाइन फॉर्म में सुधार का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसको हम वीडियो में जानेंगे कि आपको इस बार आवेदन में सुधार करने का मिलेगा या नहीं। जैसे आप लोग गलती क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फॉर्म भरने में आपका नाम वाम गलत हो जाता है, स्पेलिंग, मतलब नाम तो सभी का सही होता है लेकिन एक दो स्पेलिंग गलती से ए बी सी डी छूट जाता है, तो वही से आपको दिक्कत आती है। ठीक है, या आपका नाम या तो माता जी का नाम या तो पिताजी का नाम, किसी का नाम गलत हो सकता है आपसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस बार दिशा निर्देश क्या क्या है यूपी टेट 2019 के लिए। तो दोस्तों मार्गदर्शी सिद्धांत के नियम 18.4 का संलग्नक, ठीक है ये सब छोड़ते हैं, पढ़ते हैं सीधे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुदेश। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या, इसको देख लेते हैं आप कि क्या दे रखा है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले बात की गई है यूपी टीईटी के आवेदन में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर युक्त फोटोग्राफ अपलोड करने की सुविधा के साथ पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी विवरण ऑनलाइन भरे जाएंगे और आवेदन पत्र भरते समय हस्ताक्षर युक्त फोटोग्राफ केवल जेपीजी ठीक है दोस्तों प्रारूप में का स्कैन अपलोड किया जाएगा। याद रखना दोस्तों आपका जो फोटो होगा वो आपका जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है जेपीजी, तो वो तो फोन का हो जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आप लोग फोटो खींचते हैं तो नहीं होता तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा ऑनलाइन सर्च कर ले करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी की तस्वीर एवं हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप स्कैन करके रखने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग कि वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन से संबंधित दिए गए सामान्य दिशा निर्देश, तकनीकी दिशा निर्देश, शासनादेश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसमें दी गई सभी अपेक्षाओं से अवगत होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका क्या रहने वाला, कि परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता से संतुष्ट होना। चौथा पॉइंट दोस्तों किसी भी वेबसाइट पर जाकर पूरा ब्यौरा देखकर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना। पांचवा पॉइंट दोस्तों आपका रहेगा कि बैंक के नवीनतम तकनीक के द्वारा उपलब्ध कराया गया विकल्प इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क जमा करने के संबंध में आश्वस्त होना। सिक्स नंबर पॉइंट है दोस्तों आवेदन करते समय पोस्टल पिन कोड सहित पूरा डाक का पता लिखें। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, क्योंकि हर साल काफी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। उसके बाद दोस्तों देखिए सातवां पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की विधि। पहले सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों आप लोग, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। नंबर वन दोस्तों आपका रहेगा वेबसाइट पर आपको जाकर लॉग इन करना है। दूसरा दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर जाए और उसे खोलना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें करेंगे क्या, आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश एवं प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला क्या रहेगा, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भाग ए में प्राथमिक सूचनाएं भरें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए पंजीकरण संख्या एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना एवं आवेदन शुल्क का भुगतान करना। एक बात दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्या बात दोस्तों, आप लोग जो भी अपना फोन नंबर देंगे उसको बदलिएगा मत तब तक जब तक आपका पेपर ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, कुछ दिक्कत होती है, तो वो फोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो उसमें फोन नंबर अपना रजिस्टर्ड करा है मोबाइल नंबर वो बहुत ही पर्सनल रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे लोग का दे दें कि दोबारा वो नंबर याद ना रहे या कुछ दिक्कत हो। तो दोस्तों ये फोन नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भी दोस्तों सही है, अभी अगर अभी तक आपके पास अपनी ईमेल आईडी ना हो तो दोस्तों पहले आप अपनी एक ईमेल आईडी को बना लीजिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको ईमेल आईडी बनाना ना आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको ईमेल आईडी बनाना भी सिखा देंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला पॉइंट हमारा ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भाग टू में शैक्षिक योग्यता एवं आवश्यक सूचना पूरित करना, ठीक है दोस्तों। भाग वन का ये था हमारा ऑनलाइन पंजीकरण भाग में प्राथमिक सूचना भरेंगे, भाग टू में दोस्तों आपकी शैक्षिक योग्यता होगी और आवश्यक सूचना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाग थ्री ऑनलाइन आवेदन भाग थ्री में स्कैन फोटो इमेज अपलोड करना,
उसके बाद दोस्तों जो हमारा चौथा पॉइंट है कि ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण कर पुष्टिकरण प्रश्न का प्रिंट ले और अपने पास सुरक्षित रखे। तो दोस्तों सब कुछ जब हो जाए तो उसको लास्ट में उसका प्रिंट रख लेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे। अब देखिए अगर आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपके घर में खुद का लैपटॉप ये सब है तो उसको प्रिंट आउट निकलवाने की कोई जरूरत फिलहाल उसको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका काम एडमिट कार्ड से होता है। तो आपने लैपटॉप में उसको पीडीएफ में सेव रखिएगा या जैसे भी सेव हो जाए स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, तो आपको उतना जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण पत्र के उक्त समस्त चरणों को पूरित करना अनिवार्य है। किसी भी चरण की प्रविष्टियों को अंकित न किए जाने, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड न किए जाने पर आवेदन पत्र पूरित नहीं माना जाएगा एवं आवेदन पत्र अस्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग, अगर आपने कोई भी पॉइंट इसमें छोड़ दिया, ठीक है ना, तो पहले अगर कोई पॉइंट आप गलत भरेंगे तो ही दिक्कत आएगी, अगर छोड़ेंगे तो फिलहाल फॉर्म आगे जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों यहां से आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। तो दोस्तों इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला पॉइंट क्या हमारा, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर, ये भी आप समझ लीजिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो भी आप ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टि भरेंगे उसमें संशोधन का आपको किसी भी प्रकार का कोई अवसर दे नहीं है। तो मतलब बात साफ है दोस्तों, आप एक बार अगर आप अपना नाम राहुल है, ठीक है, गलती से दोस्तों आपने जल्दबाजी में राहुल को RRL लास्ट में कर दिया, कुछ भी गलती की एक भी स्पेलिंग में, तो समझ लीजिए वो गलत का गलत रह जाएगा और इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, तो इस वीडियो को अभी अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर बताना है कि भाई अगर आप लोग खुद का या अपने दोस्तों को ऑनलाइन आवेदन करें तो ये गलती मत करना, नहीं तो दोस्तों फिर आपके दोस्त ही आप पर चिल्लाएंगे, गुस्सा होंगे कि यार तुमने गलत कर दिया, मेरा फॉर्म मेरा बेकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ बात पैसों की नहीं होती कि 500 रुपये हमारे 600 रुपये डूब जाएंगे, ठीक है, बात यहाँ पैसों की बिल्कुल नहीं दोस्तों, कि आप कहेंगे यार चलो ठीक है 600 रुपये का फॉर्म है। देखिए दोस्तों ये सब फॉर्म साल में एक बार आता है, आपका एक साल खराब हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं कि 600 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात होगी, जो बच्चे लाख रुपए लगा के डीएलएड या बीएड का कोर्स कर रहे हैं बीटीसी का, तो उनके लिए 600 रुपये 1000 रुपये का फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन दोस्तों गलती ये होगी ना कि अगर आपने जल्दबाजी में साइबर कैफे में जाकर, देखिए सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती है पहले इसको सीख लीजिए, हर बार हजारों बच्चे दोस्तों जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद हमारे पास मैसेज आने वाले, हमें दोस्तों ये बात पहले से पता है, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो भी आप गलती करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर 100 में से 10 बच्चे भी समझ जाए ना दोस्तों, तो हमें लगता है कि चलो ठीक है यार कुछ बच्चे तो कम से कम समझे ना, 90 बच्चे वो गलती करके आने वाले हैं, होगा क्या, देखिए हम बता रहे हैं। आप लोग अपना सारा डेटा लेके, जो भी आपका डेटा वेटा है सब लेके जाएंगे अपना मार्कशीट ये सब, साइबर कैफे जाते हैं, कहाँ जाएंगे दोस्तों आप लोग, सबसे पहले साइबर कैफे निकल जाएंगे। तो वहां होता है क्या साइबर कैफे में, पहले हम बताते हैं आपको कि जब साइबर कैफे में जाते हैं तो आपके जैसे हजारों बच्चे, या हजारों तो नहीं लेकिन ठीक है 10-15 बच्चे एक ही टाइम पर अगर पहुंच जाते हैं, तो साइबर कैफे वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि किसी भी चीज को दोबारा डबल रीचेक करें। देखिए दोस्तों पहले अगर आप लोग रिचार्ज करते होंगे ना तो पहले 2 बार पासवर्ड मांगता था ऑनलाइन, जब पेमेंट करते थे तो टाइप पासवर्ड फिर से कंफर्म पासवर्ड, लेकिन दोस्तों जब देखा गया कि भाई बच्चों के पास समय ही नहीं रहता तो एक ही बार पासवर्ड डालने की आ गया, एक बार डालिए पैसा हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं इसके, ठीक है दोस्तों। अब कंफर्मेशन ज्यादा नहीं लिया जाता, तो मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ साइबर कैफे में आपके पास समय कम रहता है। देखिए एक और हम बता दें, जो ये वेबसाइट ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइटें होती है ना वो इतनी तेज होती है, वहां पर एक टाइम की लिमिट भी होती है, टाइम लिमिट दोस्तों आपको बता दें, जैसे टाइम लिमिट में क्या होता है, देखिए अगर दोस्तों कोई आपके सामने एक पेज ये वाला खुल गया, जो आप इसमें हमारी वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कोई पेज खुला है तो दोस्तों अगर इसकी लिमिट हमने सेट रखी है कि भाई ये पेज को 2 मिनट तक ही लगातार ओपन आप रख सकते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपने 2 मिनट में उसमें जो भी प्रविष्टियां भरनी है, जो नाम वाम डेटा ये सब भरना है, अगर आपने नहीं भरा तो 2 मिनट बाद वो पेज अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर का मतलब उसमें जब लास्ट में सबमिट करें तो लिख के आएगा भाई सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। तो कुछ पेज की लिमिट्स बना दी जाती है, क्योंकि जब ट्रैफिक इतना ज्यादा आता है, 20 लाख बच्चे आवेदन करेंगे, तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान तो भाई आपके ऑनर भी रखते हैं, जो मालिक होते हैं साइटों के, तो वो सब ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए एक क्या और है, इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइल सेव करने से पूर्व उसका प्रिंट लेकर ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। इतना समय नहीं होता लेकिन आप लोग फिर भी कोशिश करिएगा जल्द से जल्द पढ़ने की। अगला पॉइंट में दोस्तों हमें दिया गया है कि अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन फाइल सेव करने से पूर्व इस आशय के घोषणा को चयन करना अनिवार्य होगा कि, देखिए ये खुद आप लोग करेंगे, कि मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालकर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान
मूल अभिलेखों से कर लिया है और उसे सही पाया है। मैं रजिस्ट्रेशन को फाइल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ। फाइल सेव होने के उपरांत मुझे आवेदन में संशोधन करने का कोई अवसर दिए नहीं होगा। देखिए, ये बात आप खुद लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, ये बात आप दोस्तों खुद बोलेंगे वहां पर, ठीक है, कि अगर आप गलती करते हैं तो उसके सारी जिम्मेदारी आपकी है, आपको कोई मौका ना दिया जाए, ऐसा आप खुद बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, देखिए, उक्त घोषणा पत्र को चयन करने के उपरांत अभ्यर्थी के मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को वेरीफाई करके अभ्यर्थी को अपना आवेदन पूर्ण करना होगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी आवेदन के समय अपने सही मोबाइल नंबर का अंकन करें। देखिए दोस्तों, वही बात करें कि भाई अपना ओरिजिनल वाला नंबर दीजिएगा और जो दूसरा वाला आप टाइम पास के लिए रखते हैं उसको मत दीजिएगा, नहीं तो समय नंबर बंद हो जाए, कोई दिक्कत है, फिर आप परेशान होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, आवेदन पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण एवं पुष्टिकरण पृष्ठ आवेदन पूर्ण होने का प्रिंट लेने के लिए लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलता पूर्वक प्रस्तुति के बाद भी यदि कंप्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को प्राप्त नहीं होता अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और दोस्तों मार्गदर्शी सिद्धांत के लिए ये सब क्या दे रखा है, देखिए, जनपद का नाम, ठीक है, क्रम संख्या, ये सब दिया गया दोस्तों, ठीक है, कोड जनपद का कोड क्रम संख्या सही, ठीक है, हाथरस का कोड 2 रहेगा, अलीगढ़ का 3 है, ये सब दोस्तों आप देख सकते हैं। तो वीडियो को रोक के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसका ले लीजिए दोस्तों, आगरा और झांसी का, झांसी का 39 है और इसका 1 है। उसके बाद दोस्तों आप लोग हाथरस से लेके यहाँ बस्ते तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद दोस्तों और दिखा रहे हैं तो आप लोग के जो हाईलाइटेड जिले होने वाले उसको हम बता देते हैं कौन कौन सा है। एक तो आपको दोस्तों बरेली हो जाएगा, ठीक है, जो काफी हाईलाइटेड रहेगा, और दूसरा दोस्तों आपका मुरादाबाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका कानपुर नगर और कानपुर देहात हो जाएगा, और दोस्तों वाराणसी हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका आजमगढ़ और मऊ हो जाएगा, पलिया भी एक ही में है दोस्तों तीनों, ठीक है। तो दोस्तों काफी इलाके बहुत हाईलाइटेड होने वाले हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई कैसे क्या करना है, ठीक है, आपके सामने सब दिख रहा है, तो सभी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनल, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, फॉर्म भरते समय पहली बात का विशेष ध्यान रखना, देखिए टिप्स याद रखना है, फॉर्म भरते समय गलती आपसे ना हो। पहली बात दोस्तों, फॉर्म भरते समय जो भी आपके पास डेटा हो, ठीक है, साइबर कैफे ऐसे समय जाने का आपको टाइम निकालना चाहिए जिस समय भीड़ कम रहे। अगर आपको खुद से भरने नहीं आता, ठीक है, साइबर कैफे जाइए, लेकिन सुबह का समय लीजिए, सुबह 10-10 बजे जब कैफे खुलता है उस समय जाएंगे तो भीड़ कम रहती है। अगर आप शाम का समय लेते हैं, शाम के 5 बजे से लेके 8 बजे तक, तो हमें लग रहा है इस समय सबसे ज्यादा मैक्सिमम भीड़ उसी समय रहेगी। तो उस समय देखिए होगा क्या, आपका फॉर्म बहुत जल्दी से भरा जाएगा, किसी के पास इतना समय नहीं होगा उसको रीचेक करें, ये गलती आपकी होती है। कभी भी कैफे वाले पर आप ये दोष मत लगाइएगा कि गलती वो करते हैं, क्योंकि वो एक बार आपको जरूर कहते हैं, एक बार देख लो, आप लोग क्या रहते हैं, अरे हाँ ठीक है ऐसे बोल के पढ़ते नहीं है, हर बार बच्चों से ईमेल आईडी गलत हो जाती है। चलिए फोन नंबर तो आप सही डालते हैं क्योंकि वहां ओटीपी आता है, ईमेल आईडी आप लोग ऐसे ही दे देते हैं। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आप सब कुछ ध्यान में रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए फिलहाल, आप परेशान मत होइए, जब यूपी टेट का ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर को ही आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो अगर आप चाहें तो घर बैठे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और फिर मिलते हैं।